हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो स्नैपचैट के अंदर जो वीडियो डलती है, जैसे कि इंस्टाग्राम के अंदर जो रील डलती है वो स्नैपचैट के अंदर कैसे डालते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप स्नैपचैट ओपन करोगे, आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। माई पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। माई पब्लिक प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने एक प्रोफाइल शो हो जाएगी। अगर आपकी क्रिएट है तो ठीक है, अगर नहीं क्रिएट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आके प्रोफाइल में आके यहाँ पर अपना पब्लिक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर देखिए स्पॉटलाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख जाएगी रील अपलोड की हुई, जैसे मैंने कर किया। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टोरी वाले सेक्शन पर जाना है और कैमरा रोल पर क्लिक करना है। ये जो साइड में है यहाँ पर कैमरा रोल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके जो भी गैलरी के अंदर वीडियो है वो आपको शो कर जाएगी। यहाँ से आप सिंपली कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, तो सेंड टू पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप सेंड टू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर स्पॉटलाइट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ऊपर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करते ही नीचे डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर आप हैशटैग वगैरह या जो कुछ लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हैशटैग लगा देता हूँ ट्रेंडिंग का हैशटैग लगा दिया मैंने और गुड पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करते ही आपकी क्या स्टोरी सेंड हो जाएगी। जैसे स्टोरी आपकी ये रील आपकी अपलोड हो जाएगी, आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, स्पॉटलाइट पे क्लिक करना है। स्पॉटलाइट पे जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने ये आपकी वीडियो या रील जो भी है आपकी, ये अपलोड आपके सामने दिखाई देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक